Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on this chapter number 11, Rebels and the Raj, and we have completed most part of the chapter. तो अपने last class में हमने ये किया था कि किस तरीके से represent किया जा रहा है, specifically अगर हम देखें Indian rebels को in the works of British. और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक मोटिव है टू जेनरेट अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ यू कैन से समवॉट हेटरेट अगेंस्ट द इंडियन रेबेल्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट टेलिंग पीपल दैट दैट ब्रिटिश आर वेरी पावरफुल एंड दे आर केपेबल इनफ टू हैव बैक ऑल द कंट्रोल ओवर इंडिया. और वो किस तरीके से दिखाया गया है कि जो ब्रिटेन की विमेन थी वो भी बहुत स्ट्रांग थी और जो इंडियन सिपॉयज हैं वो सिपॉयज जो है वो उन पे अटैक कर रहे थे और वो प्रॉपरली डील कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने कुछ पेंटिंग्स के थ्रू ये भी दिखाया कि जो इंडियन सिपॉयज हैं और इंडियन रिबेल्स हैं उनको हमने बहुत मतलब डिजर्विंग तरीके से पनिश किया था एंड दिस वॉज बेसिकली टू क्रिएट टेरर समवेयर. जो ब्रिटिश सिटीजन्स है, ब्रिटिश पब्लिक है, उसको ये बताने के लिए कि नहीं, हमने वापस कंट्रोल ले लिया है, हमने रिवेंज ले लिया है एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ फियर इन माइंड ऑफ इंडियंस. ठीक है, ऐसे टाइप की हमारे पास पेंटिंग्स की रिप्रेजेंटेशन है. नाउ वी नीड टू जस्ट लुक एट फ्यू अदर एस्पेक्ट्स एंड दैट टू अगेन थ्रू दीज रिप्रेजेंटेशन. तो हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक्स रहते हैं, उसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं. तो जो टॉपिक हमें अब स्टार्ट करना है दैट इज नो टाइम फॉर क्लीमेंसी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, ये भी देख लेते हैं. क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी, लीनियंसी, मतलब दया जैसे दिखाना. तो अब इस टाइम पे हमने देखा है कि जो इंडियन सिपॉयज है या इंडियन रिबेल्स हैं उनको बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस किया जा रहा था. ठीक है, वेरी वी नो इट कि इट वाज रियली अ वायलेंट वन और पिक्चर्स भी क्लियरली दिखाते हैं. और इसके अलावा बहुत नॉट ओनली कि बस एग्जीक्यूटिंग शूटिंग देम बट जस्ट टाइंग देम टू द कैनन्स और उसके बाद फायरिंग इट एंड देयर वर मेनी अदर वेज, हैंगिंग देम ऑन सर्टेन ट्रीज इन सर्टेन एरियाज, किलिंग देम एंड शूटिंग एट देम, ये सारी चीजें तो हो ही रही थी. तो इस टाइम पे हम देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे थोड़ी सी हमें इनके साथ क्या करनी चाहिए, लीनियंसी करनी चाहिए, थोड़ा सा मर्सी दिखाना चाहिए. बट इट वॉज नॉट अ वेरी वाइड स्प्रेड आइडिया. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Now at a time when the clamor was for vengeance, इसका मतलब क्या है, ऐसा टाइम जहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे कि हमें बदला लेना है, स्पेशली जो ब्रिटिश पीपल है, वहां पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमें मॉडरेशन भी करनी चाहिए. पर ये जो कुछ लोग हैं जो मॉडरेशन की बात कर रहे थे उनको बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे दैट इट इज नॉट द टाइम टू शो एनी काइंड ऑफ मर्सी टू सच पीपल. फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नर जनरल कैनिंग जो है उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी चाहिए, थोड़ी सी मर्सी दिखानी चाहिए टूवर्ड्स द सिपॉयज, है ना. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट क्लीमेंसी, एज आई सेड मर्सी और लीनियंसी की बात कर रहे थे. ये थोड़ा सा इनके साथ अच्छे से हमें थोड़ा लाइटली डील करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो सिपॉयज जो है वो वापिस हमारे क्या हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे और हमारे लिए काम करेंगे. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा उनके साथ लीनियंट रहना चाहिए और हमें मर्सी के साथ उनके उनसे बिहेव करना चाहिए विद क्लीमेंसी. बट बाकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, वो बोल रही थी ये सही नहीं है. वो एक्चुअली उनपे मॉक कर रही थी, हंस रही थी, उनपे व्यंग जैसे उड़ा रही थी कि दिस इज नॉट द वे टू डील विद द इंडियन रिबेल्स. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक कार्टून है, अगेन दिस इज क्लियरली शोन इन योर बुक, लेट अस टॉक अबाउट दिस कार्टून. और द हेडिंग ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी कि लिखा है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग. अब इसमें है क्या ये देख लेते हैं हम. इस पेंटिंग में जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द कार्टून्स दैट वाज पब्लिश्ड इन द पेजेस ऑफ अ ब्रिटिश जनरल नोन एज पंच. और एक कॉमिक सटायर जैसे है, मतलब जैसे व्यंग जैसे उड़ाना हिंदी में जो बोलते हैं, बताना कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि
कैनिंग जो है ही इज शोन एज अ फादरली फिगर, मतलब समवेयर आप देख सकते हो जो जेस्टर्स हैं उनके, जहाँ पे उन्होंने अपना हाथ जो है वो एक इंडियन सिपाही के सर के ऊपर रखा हुआ है, समवेयर थोड़ा सा मतलब उनको सपोर्ट जैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ही इज being shown as a you can say somebody who is a fatherly figure, ठीक है। and किसी तरीके से इसी चीज को जो है वो paint कर रहे हैं, but कैनिंग को ये एक तरीके से वॉर्न कर रहे हैं थ्रू दिस पेंटिंग। दे आर सेइंग कि आप देखो प्रोटेक्टिव किसकी तरफ हो, आपने प्रोटेक्टिव हैंड रखा है सिपाही के ऊपर, सिपाही के हेड के ऊपर, बट अभी भी देखो ये जो सिपाही है इसके हाथ में क्या है, एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में डैगर है। स्वॉर्ड हमें पता है तलवार होती है, और डैगर हमें पता है बड़ा, जैसे हम बोल देते हैं खंजर टाइप, ठीक है। और इसमें ये बोल रहे हैं दे हैव यूज्ड अ टर्म यू कैन क्लियरली सी दैट इज अनसीथर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विच इज नॉट कवर्ड, मतलब जैसे तलवार जो उसके उसका मयान नहीं है, उसके ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, मतलब अभी भी ये लोग बहुत डेंजरस हैं, और ऊपर से ये जो तलवार और डैगर है इसमें से देखो ब्लड इज ड्रिपिंग, समझ गए। सो क्लियरली व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग कि it will be a foolish act if we show sympathy or if we show mercy towards such people. ये कौन ब्रिटिश दिखा रहे हैं कि these people still are in a position कि ये कभी भी वापस अटैक कर सकते हैं, और ये क्या करके आए हैं पीछे, तो इसीलिए they do not deserve any mercy. तो यानी कि कैनिंग को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, he is being mocked upon or is shown that there is no need to show mercy to these people because they don't deserve it. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, they have written the caption at the bottom says governor general, well then they shall not blow him with nasty guns but he must promise to be a good little sipoy. मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको ना हम मारेंगे नहीं guns वगैरह से, पर आप एक loyal और वैसे sipoy रहोगे। But ultimately if you look at the picture this is clearly visible, you will clearly see that what they are showing is that these sipahis actually do not deserve any kind of mercy because pehle bhi wo itna kuch karke aaye hain, they have killed so many British and aage bhi ye kuch bhi kar sakte hain, theek hai। So these are the representation that we have of ब्रिटिश। तो हमने स्टार्टिंग से देखा, पहले उन्होंने दिखाया कि सिपाही जो वो कितने खराब थे, किस हिसाब से ब्रिटिश को मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, इनोसेंट लोगों को भी, विमेन को, चिल्ड्रन को, ब्रिटिश को, सबको ये लोग क्या कर रहे थे, मार रहे थे बुरी तरीके से। एंड द ब्रिटिश विमेन एंड चिल्ड्रन आर शोन इन मेनी पेंटिंग्स वेयर द सिपाही आर किलिंग देम। उसके बाद दिखाया गया है फाइट बैक ऑफ द ब्रिटिश विमेन, उसके बाद वेयर दे आर ऑल्सो not only fighting against the sipahis, also they are protecting their religion. Bible की book दिखाई हुई Christianity से related है। उसके बाद क्या दिखाया हुआ है कि कैसे उनसे रिवेंज लिया गया, बिकॉज एक फीलिंग ऑफ रिवेंज आ गई थी अमंग द ब्रिटिश पीपल, तो उनको दिखाना था हाँ हमने रिवेंज ले लिया एंड वी आर स्टिल पावरफुल। और इसके साथ साथ ये भी बोल रहे थे कि द इंडियन रिबेल्स actually does not deserve any kind of mercy and they should not be dealt with very leniently or there was no time for clemency as the jo heading thi hamare is pichle topic ki। To ye to humne dekh liya, ek tarike se kya hai, British representation hai। Now we have, though we have only few images of Indian perspective but still we have few and we will just look at few of them so that we understand the Indian perspective as well. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे नेशनलिस्ट इमेजरीज, ठीक है। तो यानी कि हमारी साइड के अगर हम बोले इंडियन वर्जन जो है या इंडियंस जो है उन्होंने किस तरीके से इस इसको रिप्रेजेंट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को, और स्पेशली जो हमारे लीडर्स हैं उनको किस तरीके से दिखाया गया था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। नाउ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है बेसिकली हमारा आगे जो 20th सेंचुरी में आएगा, 20th सेंचुरी में क्या मतलब है हमारा 20th सेंचुरी में, यानी कि 1901 से जो हमारा पूरा 1947 तक अपना जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, वहां पे हम बहुत बार इंस्पिरेशन किसकी लेते हैं,
ये जो अपना रिवोल्ट ऑफ 1857 था इसकी और इनके लीडर्स की, एक पूरा इमेजिनेशन हमने नेशनलिस्ट जो भी यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था उसका बनाया है अराउंड द रिवोल्ट। और इसको हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फॉर्म में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मेनी टाइम्स वी कॉल इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज समवेयर हम देखेंगे एक लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर सेक्शन, कि सिर्फ सिपॉयज या किंग्स या राजा या पीजेंट्स या जमींदार तालुकदार, एवरी सेक्शन, ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन पार्टिसिपेटेड टू थ्रो द ब्रिटिश अवे फ्रॉम इंडिया। तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सेक्शन जो है इंडिया के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हम बोल सकते हैं अगेंस्ट द इंपीरियल रूल। तो जो हमारी आर्ट और लिटरेचर है एज मच एज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने बहुत तरीके से हमें हेल्प किया है टू कीप दिस मेमरी अलाइव। जो हमारे इसके लीडर्स थे रिवोल्ट के, उन्होंने भी उनको हीरोइक फिगर्स में हमने प्रेजेंट किया है कुछ कुछ पिक्चर्स में, एंड एक्चुअली में दे एक्चुअली फॉट वेरी ब्रेवली। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं कि वो बैटल में कैसे उन्होंने फाइट किया था और कैसे जो ब्रिटिश का ऑप्रेसिव रूल है उसके अगेंस्ट अपना एंगर दिखाया था और उनके अगेंस्ट बहुत ब्रेवली फाइट किया था। हीरोइक पोएम्स भी बहुत ज्यादा लिखी गई है, नॉट ओनली ऑन यू कैन से जो सारे मेन हमारे लीडर्स थे वो तो थे, उसके अलावा स्पेशली कुछ जो फीमेल या जो विमेन लीडर्स थी उन पे बहुत ज्यादा हम बोलेंगे उनके ब्रेवरी को सेलिब्रेट करते हुए बहुत सारे अपने पास पोएम्स हैं जो कि हमने बहुत आई थिंक वी हैव स्टडीड देम मेनी टाइम्स इन मेनी ऑफ आवर क्लासेस, जनरली जो हमारी जूनियर क्लासेस थी, कि कैसे उन्होंने फाइट किया था हॉर्स पे और मतलब तलवार से लड़ने के लिए रेडी थी एकदम फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड। और स्पेशली जो झांसी की रानी है उनसे रिलेटेड तो अपने पास बहुत सारे एविडेंसेज हैं, बहुत सारे पोम्स, आपको पता होगा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी पूरी। देयर इज अ वेरी बिग यू कैन से पोएम जिसमें कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है उन्होंने इस जो रानी है रानी लक्ष्मीबाई उनकी ब्रेवरी से रिलेटेड बोला था कि कैसे उन्होंने ब्रेवरी से लड़ा था। और ब्रिटिश जो है themselves, they have stated in many of their documents that she was a really great warrior. और पूरा ये तो कैसे उन्होंने फाइट की थी एंड हाउ ब्रेवली शी फॉट एंड वी नो अल्टीमेटली शी डाइड इन द वॉर, फाइटिंग इन द वॉर एंड शी सैक्रिफाइज द लाइफ, बट उनसे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे डिपिक्शंस है कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडियंस ने कितनी ब्रेवली जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था और जो ब्रिटिश है उनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन दिया था। तो जैसे जो मैं बोल रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान के अपने पोएम ये जो है पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और यू में आई सपोज सबको ये याद भी होगी पोएम बिकॉज इट वॉज वन विच एक्चुअली समवेयर जो हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं या जो फाइट फॉर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं वो इमोशंस खुद ही ये पोएम पढ़ के हमारे अंदर आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, वेयर शी इज शोन टू फाइट वेरी ब्रेवली विद द ब्रिटिश। एंड बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट्स भी हैं हमारे इनसे रिलेटेड जो इस बैटल को पोर्ट्रे करते हैं कि उन्होंने एक हाथ में उनके तलवार है, वो हॉर्स पे राइड कर रहे हैं एंड शी इज गिविंग अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश एंड बिकॉज शी इज डिटरमाइंड टू रेजिस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस वॉट एवर द ब्रिटिश वर डूइंग विद द इंडियंस, ठीक है। सो वी ऐसे हमारे पास और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है इस टाइम के जो है उनसे रिलेटेड बहुत सारी और पोएम्स और लिटरेरी वर्क है, बट वी जनरली सेलिब्रेट द वे शी फॉट बिकॉज शी एक्चुअली फॉट वेरी वेरी स्ट्रांगली। और जैसे कि मैंने बोला ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन में भी उन लोगों ने लिख रखा है दैट दिस वॉज वन स्ट्रांग लेडी हु इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विथ एंड द वन हु गेव देम वेरी
वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिशन। इसीलिए ये जो सुभद्रा कुमार चौहान की जो आपकी पूरी पोएम है जो आपने पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में, जिसमें एज आई सेड कि वो देखते ही एक अपने अंदर फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म जेनरेट हो जाती है, और पोएम की लाइन्स भी पूरी उसी हिसाब से ही थी कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, मतलब पूरा लिख रखा है 1857 में ऐसे करके रिवोल्ट हुआ था और तलवार जो है उससे उन्होंने लड़ाई की थी, और पूरी पोएम है और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है इफ यू ऑल रिमेम्बर। सो दिस इज वन वे वी कैन फील प्राउड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हु एक्चुअली फॉट ड्यूरिंग 1857। ठीक है, नाउ टू वाइंड अप द चैप्टर, वी नो दैट जितने भी इमेजेस हमारे पास इंडिकेटेड है, स्पेशली जब हम ब्रिटिश की बात कर रहे थे, हमें ये समझना है कि कौन वो पेंटिंग कर रहा है, व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट द इवेंट्स, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, एंड हमें ऑब्वियसली जब भी हम उन पिक्चर्स को देखते हैं अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट किस पर्सपेक्टिव से वो पेंटिंग्स बनाई गई थी या वो रिटर्न वर्क लिखा गया था। ठीक है, तो हो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो उस टाइम के हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, पर वो हमें और चीजें भी समझने के लिए दे आर मेक समवेयर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम पीरियड, क्योंकि हम फेड बाय द इमेजेस दैट सर्कुलेटेड इन ब्रिटेन द पब्लिक सैंक्शन द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ रिप्रेशन ऑफ रिबेल्स। मतलब क्योंकि जिस हिसाब की पेंटिंग्स ब्रिटेन सर्कुलेट करवा रहे थे, जो ब्रिटिश है वो सर्कुलेट करवा रहे थे इंडियन रिबेल्स के बारे में, इसके कारण इंडियन जो ब्रिटिश की पब्लिक है वो भी इसको बोल रही थी हाँ इन्हें सप्रेस करो, इनको रिप्रेस किया जाए। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने नेशनल वाले इमेजेस देखें तो उससे हमारी कौन सी वाली फीलिंग जेनरेट हो रही है, नेशनल नेशनल या हम बोलेंगे पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जब भी हम हिस्ट्री, हम स्टार्टिंग से ये बात बोल रहे हैं कि हम हिस्ट्री में जब भी कोई भी सोर्स को पढ़ते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस पर्सपेक्टिव से बनाई हुई या लिखे हुए हैं वो सोर्सेस। ठीक है, सो विद दिस we have come to the end of the chapter, and before winding up the chapter let us just quickly talk about few important date। to ek bar timeline dekh lete hain jo hamare chapter mein aayi hai, to I suppose you all must have an idea about these dates। humne dekha tha 1801 mein subsidiary alliance introduce kar diya tha Wellesley ne Awadh mein। ठीक है, अवध में 1801 में हुआ था, बाकी कहीं कहीं पे उन्होंने उससे पहले भी हमने देखा था अराउंड बिफोर दिस दैट इज स्पेसिफिकली अगर हम देखें 1798 के अराउंड उन्होंने ये चीज जो है इम्प्लीमेंट कर दी थी, पर अगर हम अवध की बात करें तो अवध में 1801 में हुआ था, और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जो है उनको हटा दिया गया था, अवध को पूरा एनेक्स कर दिया गया था। 57 में समरी रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हो गया था अवध में। अब 1857 में मेन इवेंट्स देखते हैं, 10th में को म्यूटनी स्टार्ट हुई थी मेरठ में, 11 और 12 में को दिल्ली गैरिसन में रिवोल्ट हो गया, और बहादुर शाह जफर जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था नॉमिनल लीडरशिप। 20 से 27 मई में सिपाहियों ने अलीगढ़ में मणिपुरी इटा और इटावा में म्यूटनी कर दी थी। ठीक है, इस अलीगढ़ और पूरे इस एरिया साइड पे यू नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज फोर, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और इटा। ठीक है, 30 मई को अगेन एक राइजिंग अपराइजिंग जो है वो लखनऊ में हो गई थी। मई और जून में एक ये जो म्यूटनी थी अब ये धीरे धीरे रिवोल्ट बनने लग गई थी, क्योंकि कॉमन लोग भी इसमें आने लग गए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए स्पेसिफिक डे नहीं दिया है क्योंकि ये तो धीरे धीरे लोग जो है वो एड ऑन हो रहे थे इस रिवोल्ट में। उसके बाद 30 जून में हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो है उनको बैटल ऑफ चिनहट में डिफीट फेस करनी पड़ी। हमने पढ़ा था अबाउट वन ग्रेट लीडर जिन्होंने जो ये बैटल ऑफ चिनहट है इसमें ये जीत गए थे, दैट वॉज इफ यू ऑल रिमेम्बर मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है
जिसके कारण फिर ये बहुत पॉपुलर हो गए थे। 25 सितंबर को हम देखेंगे ब्रिटिश फोर्सेस जो है हैवलॉक और ऑटम के अंडर इन्होंने ये लखनऊ में आए, और फिर जो शामल है ही वाज किल्ड इन बैटल। हमने पढ़ा था कि शामल अगेन वन इम्पोर्टेंट लीडर, जो एक स्पेसिफिक लीडर के बारे में हमने पढ़ा था, एक तो मौलवी अहमदुल्ला शाह और एक शामल। तो शामल वाज किल्ड इन बैटल इन जुलाई। फिर 1858 में हम बोल सकते हैं रानी झांसी जो है शी वाज आल्सो किल्ड इन बैटल, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी फेस्ड डिफीट एंड द ब्रिटिश फाइनली गॉट टोटल कंट्रोल ओवर यू कैन से जो भी इंडियन टेरिटरीज उनसे फ्री हुई थी, वापस से कंट्रोल हो गया था। एंड आफ्टर दैट वी नो रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड होने के बाद जब फाइनली कुछ चेंजेस आए थे इंडिया के गवर्नेंस में, वेयर वन ऑफ द मोस्ट वॉज कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर चला गया था अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर। एंड फिर उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे जहाँ पे उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे पीछे की पहले की कुछ कुछ चीज़ों को रिज्यूम करें ताकि पीपल जो डिससेटिस्फाइड है वो थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाए। बट धीरे धीरे जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो अगेंस्ट, हमें पता है इट वॉज अगेंस्ट नॉट for the benefit of Indians, this was somewhere again imperialist aims ही थे उनके। फिर बाद में divide and rule policies भी होने लग गई थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स को बंगाल को divide किया गया, हम इन सब के बारे में detail में पढ़ेंगे। और इंडिया का जो पूरा again जो economic system है वो भी वापस से lockdown होने लग गया, इसीलिए जो Indians है अब उन्होंने क्या किया, ये protest continue रखा and through many other mass movements finally we got our independence after so many battles, so many struggle, है ना। So this is regarding this chapter, I suppose everything is clear, कहीं भी कोई doubt हो class come back with your doubts and we'll discuss and solve it. So this is it for today, now from our next class we'll start with the next chapter. Okay, so see you all in the next class.